यह बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक ऋषि थे कौशिक, जो बाद में भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। जब वे एक युवा सन्यासी थे, तब एक दिन वो रोज की तरह नदी से नहाकर जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए बैठ गए। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। उसी पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया ने अपनी गंदगी उन युवा सन्यासी के चेहरे पर गिरा दी। यह देख उन युवा सन्यासी को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो अभी अभी नदी से नहाकर आए थे और ध्यान में डूबने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस चिड़िया की वजह से अब उन्हें दोबारा नदी में डुबकी लगानी पड़ेगी। सन्यासी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उस चिड़िया की तरफ बड़े गुस्से से देखा। उन्होंने उस चिड़िया को ऐसे घूरा कि वह चिड़िया पल भर में ही जलकर राख हो गई। यह देख उन युवा सन्यासी को बड़ी आत्मिक शांति मिली। उन्हें खुशी हुई कि चलो, मेरी तपस्या की शक्तियाँ कुछ तो काम आ रही हैं। उन्होंने दोबारा नदी में स्नान किया और अपनी साधना करने बैठ गए। दोपहर होने पर वह भोजन के लिए जंगल के पास वाले गांव में भिक्षा मांगने गए। वहां एक घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। अंदर से किसी स्त्री की आवाज़ आई, कृपया थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में आ रही हूँ। यह सुन उन युवा सन्यासी को क्रोध आ गया, क्योंकि आज सुबह सुबह ही उन्हें परेशान करने वाली एक चिड़िया को उन्होंने अपनी नज़रों से ही जलाकर राख कर दिया था। इस घटना ने उनके आत्मिक घमंड को हवा दे दी थी। उन्होंने और जोर से चिल्लाकर कहा, भिक्षाम देही। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज़ आई, कहा ना, कृपया थोड़ा इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। यह सुन वे युवा सन्यासी और क्रोध से भर गए। उन्होंने और जोर से आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। वह लगातार आवाज़ लगाते रहे। तभी अंदर से एक महिला हाथ में भोजन की थाली लिए बाहर आई। युवा सन्यासी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैं दैवी शक्तियों से संपन्न एक महान सन्यासी हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसे सन्यासी से इंतजार करवाने की। इस पर उस महिला ने कहा, तुम्हें जल्दी किस बात की है, मैं अपने पति को खाना खिला रही थी। वो दोनों आँखों से अंधे हैं, कुछ देख नहीं सकते, पर तुम तो थोड़ा इंतजार कर सकते हो ना। युवा सन्यासी ने गुस्से से महिला की तरफ देखा। महिला ने कहा, तुम मुझे ऐसे घूरो मत, मैं कोई चिड़िया नहीं जो जलकर भस्म हो जाऊंगी। यह सुन उन युवा सन्यासी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने पूछा, लेकिन यह तुम्हें कैसे पता। महिला ने कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझे ऐसे घूरो मत। सन्यासी ने सोचा, उस घने जंगल में तो आसपास कोई भी नहीं था, फिर इस महिला को उस चिड़िया के बारे में कैसे पता। उन्होंने पूछा, कृपया आप बताइए कि यह आपको कैसे पता चला। महिला ने कहा, मैंने कहा ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप जिस घमंड से अभी भरे हुए हैं, ऐसी हालत में आप कुछ सीख भी नहीं सकते। सन्यासी हाथ जोड़ते हुए बोले, तो फिर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महिला ने कहा, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाती, लेकिन मैं आपको अपने गुरु का पता जरूर बता सकती हूँ, आप उनके शिष्य बन सकते हो। महिला ने उन युवा सन्यासी को अपने गुरु का पता बताया। उस पते के अनुसार वह युवा सन्यासी पास के ही एक नगर में पहुँच गए। फिर वह और अंदर जाते रहे। फिर थोड़ी देर में वह कसाई की गली में पहुँच गए। उन्होंने देखा चारों तरफ मांस के टुकड़े लटके हुए थे। उन्होंने सोचा, शायद मैं गले पते पर आ गया हूँ, लेकिन पता बिल्कुल सही था। वे एक ब्राह्मण थे, उनका कसाइयों के गली में देखा जाना भी पाप था। उन्होंने सोचा, मैं किसी कसाई को अपना गुरु नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़े। उन्होंने लोगों से पता पूछा। लोगों ने इशारे से बताया कि यह इंसान उस दुकान में रहता है। वे वहाँ गए। उन्होंने देखा वहाँ एक इंसान था जिसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ था। उसके चारों तरफ मांस के टुकड़े टंगे हुए थे। वो बड़े ध्यान से मांस को काटने में लगा हुआ था। वे वहाँ खड़े खड़े सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, एक कसाई भला मुझे क्या सिखाएगा, और फिर चाहे कुछ भी हो, मैं एक कसाई का शिष्य नहीं बन सकता। वो लौटकर जाने लगे। तभी उस इंसान ने उन्हें उनके नाम के साथ पुकारा। उसने कहा, महात्मा कौशिक, आपको उस स्त्री ने मेरे पास भेजा है ना। यह सुन वे युवा सन्यासी अवाक खड़े रह गए, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अब तक किसी को बताया ही नहीं था। फिर यह इंसान उनका नाम कैसे जानता था। उसने कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं अपना काम पूरा कर लूँ। वे सन्यासी वहीं खड़े रहे। उन्हें उस कसाई घर में घुटन हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपना काम खत्म कर उन युवा सन्यासी के पास आकर कहा, आप मेरे घर चलें, हम वहीं बैठकर बात करेंगे। वे दोनों घर आ गए। घर आकर उसने उन्हें बैठने को कहा और खुद जाकर स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाहर आया। बाहर आकर उसने कहा, आप थोड़ी देर और इंतजार करें, तब तक मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके आता हूँ। वो गया। उसने अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा की, उन्हें खाना खिलाया, और फिर वह आकर उन युवा सन्यासी के पास बैठ गया। उसने पूछा, बताइए क्या प्रश्न है आपका। उन युवा सन्यासी ने कहा, सुबह वह महिला उस चिड़िया के बारे में जान गई थी,
और यहाँ आप मेरे आने से पहले ही मेरे बारे में सब कुछ जान गए। आप ये सब कैसे जान पाते हैं और ये सब कैसे जाना जाता है? मैं बस उसका तरीका जानना चाहता हूँ। उस इंसान ने कहा, बड़ा आसान है, बस किसी भी काम को पूरी भागीदारी और ध्यान के साथ कीजिए, चाहे वह कोई सा भी काम हो। वह महिला अपने अंधे पति का ध्यान रखती है, वह उस काम को पूरी लगन और भागीदारी से करती है, वह उसमें कोई कमी नहीं छोड़ती। मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, मैं उसे पूरे ध्यान से करता हूँ, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने कसाई बनना चुना ताकि मैं जानवरों को कम से कम कष्ट पहुँचाकर काट सकूँ। अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, और पता नहीं वो जानवरों को मारने से पहले उन्हें कितना कष्ट पहुँचाता। मुझे लगता है कि मैं इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, इसलिए कुछ भी करो उसे पूरे करुणा, भागीदारी और ध्यान के साथ करो। जब हम किसी काम को ऐसे करते हैं तो हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं, और जब हमारे खुद के विचार शांत हो जाते हैं तब हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं उनके मन में चलने वाले विचार भी हम पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि उस महिला ने तुम्हारे विचारों को पढ़ लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को तो यही मिलता है कि हम कुछ भी करें उसे पूरी करुणा के साथ करें, वो भी किसी भी काम से अपनी पहचान जोड़े बिना, जैसे कि उस इंसान ने कसाई का काम पूरी करुणा से किया बिना उस काम के साथ जुड़े। जब हम किसी काम को खुद से जोड़कर नहीं देखते तब हम सही मायनों में उससे प्रेम करते हैं, फिर हम उसके लिए वही करते हैं जो सच में उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो वो उसके लिए वही करते हैं जो सच में ज़रूरी है। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और वो कड़वी दवाइयाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन माँ बाप फिर भी ज़बरदस्ती उसे वो दवाइयाँ खिलाएंगे, क्योंकि उस समय पर उसके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। संक्षिप्त में कहूँ तो अगर हम किसी भी काम को पूरी करुणा और ध्यान से कर पाए, वो भी बिना उस काम को खुद से जोड़े, तो शायद हम उस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।